हरियाणा के पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने के पीछे कई ठोस तर्क दिए गए और इन तर्कों का कुछ असर चुनाव के पहले चरण से दिखाई देने लग गया, जहां सरकार को करोड़ों का राजस्व इकट्ठा किया है पहले चरण के चुनाव में ही कर लिया था सरकार ने। क्या दलीलें हैं, क्या तस्वीर सरकार सोचती है कि आने वाले वक्त में होगा इन बदलावों से, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा सरकार और जनता के बीच मशहूर रिफॉर्म मंत्री के नाम से कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनगर जी। बहुत बहुत स्वागत है धनगर जी आपका। सबसे पहले हरियाणा के जो पंचायत चुनाव हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, एक नया उदाहरण देश के सामने पेश करने वाले हैं। शैक्षिक अनिवार्यता जो आपने उसमें की है, उससे क्या बदलती तस्वीर आप आने वाले समय में देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा बदलाव इस पंचायत चुनाव के माध्यम से हमारे ग्रामीण जीवन में आ रहा है। हमने बहुत पहले से इस विषय पर सोचा था कि अगर हम बहुत तेज़ी के साथ अपने ग्रामीण जीवन को बदलना चाहते हैं तो हम उसमें चार सुधार मोटे तौर पर लेकर आए थे, जिसमें से एक की आप चर्चा कर रहे हैं, वो शैक्षणिक योग्यता। क्योंकि पंचायत को जो निर्धारित काम दिए गए हैं, वो निर्धारित काम इस एक मिनी सरकार की तरह से उनको करने पड़ते हैं, और उस सरपंच को आर्थिक मामलों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, अकाउंट्स रखना पड़ता है। पंचायत मंत्री के नाते मेरे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आती थी कि इन्होंने अनियमितता की है। जब सरपंच सामने आते थे तो कहते थे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से दस्तखत करा लिए गए हैं। इसलिए उसमें से हमने तय किया कि हम शिक्षित पंचायतें बनाएंगे, और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उसे मुझे लगता है कि 10% से ज़्यादा लोग तो ग्रेजुएट से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अलग अलग तरह के। मैट्रिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो मिनिमम योग्यता जो महिला और SC के लिए हमने रखी थी 8वीं पास, लगभग जितना रिजर्वेशन का आंकड़ा है उतने 30% के आसपास लगभग वो लोग भी हैं। तो निश्चित रूप से ये पहली बार हम कहेंगे कि 2016 की जो पंचायतें हैं वो हरियाणा की सब शिक्षित पंचायतें हैं। दूसरी जो खास बात इसमें उभर कर आई है, शिक्षा के प्रति एक आदर बढ़ा है, महिलाओं के प्रति एक आदर बढ़ा है। कोई कोई सोच नहीं सकता कि अपनी बेटियों को लोग सरपंच बनाएंगे, लोगों ने अपनी बेटियों को सरपंच बनाया है। सरपंच बनाने के लिए नई शादी कर ली है बेटी की बिना दहेज के, उसका भी महत्व बढ़ा है। और सबसे खास बात आप देखेंगे, मीडिया ने जो इन दिनों में रिपोर्ट्स की हैं कि जो बातें भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बोल रहे हैं, मेरी नई विजयी सरपंच उनको गाँव में बोल रही हैं कि हम बेटी बचाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम आदर्श गांव बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे, कोई कह रही है कि मेवात बड़ा पिछड़ गया है, मुझे इसको आगे लेकर आना है, कोई कहती है कि स्वच्छता का काम मुझे सबसे पहले करना है, सरकार की सब नीतियों का मुझे बेनिफिट लेना है। तो ऐसी बातें मुझे बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है कि जिन बातों को हमको लगता था कि कैसे हम अपने लोकतंत्र के आखिरी पायदान पर कम्युनिकेट करेंगे, वो खुद उस एजेंडे पर बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात कोई नहीं हो सकती। बहुत दूसरा जो मुद्दा हमने रखा था, अपराधियों को हम दूर रखेंगे। आप दो बार का चुनाव देखिए, बिल्कुल छिटपुट घटनाएं अगर हम छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्वक हुआ है। होता क्या था कि अपराधियों को सजा नहीं होती थी, उनके खिलाफ लोग गवाही नहीं देते थे और वो चुनाव जीत जाते थे, पंचायत का पैसा मिल जाता था, जन समर्थन मिल जाता था, उससे बड़ी कठिनाई आती थी। हमने कहा जिस पर भी ऐसा आरोप है जिसको 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है और कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो सब अपराधी चुनाव से बाहर हुए, चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, पूरा कैडर बदल गया। तीसरी बात हमने, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, कि जो बिल पे करता है बिजली का, जो किसी लोन का डिफॉल्टर नहीं है, NOC लेकर आता है, उसको ही चुनाव लड़ने देंगे, और उसके कारण से सरकार को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको जानकर खुशी भी होगी, थोड़ी हैरानी भी होगी, जितना हमने रेवेन्यू प्राप्त किया है उतना पंचायतों ने हमसे इनाम जीत लिया है जी। सर्वसम्मति से 62%, यानी कुल 62,500 पंच चुनाव जीत कर आने चाहिए, उसमें से 38,983, यानी मोटे तौर पर कहूं तो 39,000 लोग सर्वसम्मति से आ गए, जिनको 50,000 रुपया इनाम देना पड़ेगा प्रत्येक को गांव के विकास के लिए। पैसा तो वहीं खर्च होना है गांव के विकास पर, लेकिन इतनी 62% सर्वसम्मति से विजयी होने का ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। 6,199 सरपंचों में से 274 सरपंच सर्वसम्मति से बन गए, 5 लाख रुपये इनाम है एक सरपंच पर। और इसी तरह से जो हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, 3,001 ब्लॉक समिति के सदस्य चुनने थे, उनमें से 118 सर्वसम्मति से चुन दिया लोगों ने, उस पर 2 लाख रुपए इनाम है। और जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, 2 तो वो भी चुन दिए, जिसमें 20-20 गांव का एक चुनाव होता है।
मिनी विधायक जैसा चुनाव है वो, तो उनको भी 5 लाख रुपए इनाम है। इतनी बड़ी मात्रा में सर्वसम्मति बनकर आना, इसका मतलब ये है कि पूरा पंचायत के प्रति सोचने का रवैया बदल रहा है, समाज में भी एक दूसरे के प्रति भी लोगों का रवैया बदल, प्रतिस्पर्धा में जो चुनाव लड़े जाते थे उसको दूर करके गांव के विकास की तरफ ज्यादा सामूहिक विजडम, सामूहिक बुद्धिमता इसमें से सामने आई है। और 209 करोड़ मुझसे ले लेंगे वो जितना आ रहा था उन्होंने बराबर कर दिया, इसलिए वो बात तो अच्छी है। मैं कहूंगा कि ग्राम विकास के लिए वो पैसा जाना है। एक बहुत बड़ी बात और हुई है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में शौचालय नहीं बने हैं। पहले जिन घरों में शौचालय नहीं थे, हमने ये शर्त लगाई थी कि उन घरों में सब में शौचालय होंगे तो हजारों की संख्या में एक साथ शौचालय बनना, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुधारों के लिए हमने उपयोग किया है और जिसके फल बहुत ही अच्छे आए हैं। सब सारा प्रदेश में कहूँगा कि इस दिनों में सभी चैनल्स और सभी अखबार ऐसी अच्छी स्टोरीज से भरे हुए हैं जिसको देखकर बहुत आनंद होता है। आपको लगता है कि हरियाणा पंचायत चुनाव में और जो बदलाव हैं और खासकर वो बदलाव जिनकी शुरुआत, जिन लक्ष्यों की शुरुआत समाज से होती है, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, भाईचारे को लेकर हो, गांव के विकास की बात हो, जिन पर लगातार तवज्जो देते रहे हैं प्रधानमंत्री, वो सारी चीजें एक तरह से मॉडल के रूप में हरियाणा में तस्वीर में मतलब साकार होती दिखाई दे रही है। देखिए, दो बातें और इसमें हम कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। एक तो हम इनके ट्रेनिंग का स्वरूप बदल रहे हैं। पहले 3 दिन की एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती थी, अभी पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों को जो अधिकार है वो ट्रेनिंग पहले भी देते थे, अब भी देंगे। अभी हमने ट्रेनिंग में एक चीज़ ऐड की है, इस समय के जो फोकस्ड इश्यू हैं वो ट्रेनिंग में बताए जाएंगे। स्वच्छता, आदर्श गांव का कंसेप्ट, हमारा ग्राम सचिवालय, डिजिटल इंडिया या ई पंचायत का कंसेप्ट, ये एक एक करके जो भी गांव के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं जो इन दिनों में सरकार जिन पर फोकस कर रही है वो सब चीज़ें उनको बताई जाएंगी कि इसको हम कैसे करें। स्वच्छता का मिशन है, ऑर्गेनिक खेती है, गांव की आमदनी कैसे बढ़नी है, वो सब विषय उनको बताएंगे। उसके साथ साथ अब जैसे सबसे एक हर गांव में एक बिल्कुल साधारण सा काम है कि बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। अब सारी पेंशन बैंक के थ्रू देते हैं, जब तक उसका फॉर्म अपलोड नहीं होता तब तक उसको पेंशन नहीं मिल सकती। इसलिए फॉर्म अपलोड कैसे होता है ये सरपंच को सीखना पड़ेगा, यानी उसको जो ई लिटरेसी है उसकी भी ट्रेनिंग देंगे कि वो कौन सी चीज़ डाउनलोड करनी है, कौन सी अपलोड करनी है, वो सब बातें भी समझ सके और इसके साथ वास्तव में वो जुड़ सके। तो ये दूसरा हमने इसके साथ काम किया है, एक यूथ की टीम इसके साथ कर, एक मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं अधिक आई हैं विजयी होकर, अपने परसेंटेज से भी ज़्यादा आई है। हाँ, इसी पे एक सवाल मैं और उससे और आगे बढ़ूंगा। औसत एज कम हो गई है पंचायतों की, पहले अभी एक बार टोटल आंकड़ा एज का आ जाता है तो मुझे लगता है कि औसत एज मुझे लगता है 40 से नीचे रह जाएगी शायद इस बार, नहीं तो औसत एज हमारे सरपंचों की पंचों की हम देखते थे सब बड़ी उम्र के होते थे, तो यंग पंचायतें बनेंगी। इसके साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं गर्वित नाम से, ग्रामीण विकास के लिए तरुण। हमारे हर गांव में कहीं भगत सिंह क्लब है, कहीं सुभाष क्लब है, कहीं विवेकानंद क्लब है, यूथ खुद की प्रेरणा से अपने गांव के लिए काम करना चाहता है। तो हम जो मोदी जी का आदर्श गांव का कंसेप्ट है उसके लिए यूथ को जोड़कर वहां एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पूरे हरियाणा में खड़ा करना चाहते हैं। अगर 72,312 लोग पंचायतों के हैं तो 72,312 युवक युवतियाँ हैं जो अपने गाँव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो एक ऐसी टीम बनाकर हम चलना चाहते हैं कि तेजी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके कि हमारे गांव अच्छे हों। ये सारे प्रयास गांव को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम उन प्रयासों को एक तरह से साकार रूप देने के लिए, लेकिन एक सवाल धनगढ़ जी यहां पर होता है, 500 ऐसे वार्ड हैं जहां एक भी कैंडिडेट नहीं आया, निर्विरोध चुन के आए। तो खाली रहने के अनेक प्रकार के कारण हैं, कई एजुकेशन की सीमा है तो हो सकता है कि कोई इस कारण से भी एजुकेटेड आदमी हो बनना नहीं चाहता हो, कहीं ऐसी भी स्थिति हो सकती है एजुकेटेड आदमी है बिल पे नहीं किया तो उस कारण से रह गया। दूरदर्शन के सामने मैं एक वादा करता हूं कि कोई भी वार्ड या कोई भी सरपंच का जो पद है वो खाली नहीं रहेगा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। जिस तरह से धनखड़ साहब ने कहा कि कोई भी पद या कोई भी वार्ड खाली नहीं रहेगा, उसकी तरफ तो काम कर ही नहीं है, लेकिन जब भी हरियाणा की बात आती है तो लिंग अनुपात का जिक्र जरूर आता है, उसमें भी एक बड़ी तब्दीली हुई है पिछले एक दशक में, इसके बारे में जानेंगे इस ब्रेक के बाद धनखड़ जी से। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज, सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन।
FIR hard and FIR strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आगे राजू बेटा, हम सब 10 फरवरी सुबह रेलगाड़ी से तुम्हारी मौसी के घर जाएंगे। 10 फरवरी को? पर उस दिन तो राष्ट्र कृमि मुक्ति दिवस है। अरे हम सब 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। राजू ठीक कह रहा है, उस दिन स्कूल में सब बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। पर कृमि नियंत्रण करना क्या इतना जरूरी है? हाँ, कृमि बच्चों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में खून की कमी, कुपोषण और वृद्धि में रुकावट आती है, जिसके कारण बच्चे की सेहत, शिक्षा और कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पर मेरी छोटी बेटी तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल ना जाने वाले बच्चों को यह दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलवाई जा सकती है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़े। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तू सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in JNK. Made some friends there. Combat freefall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाई डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। दलबीर को मिला, करीम को मिला, मंजलि को मिला और रुस्तम को भी मिला, और ऐसे हजारों जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है NMDFC की कर्ज स्कीम के तहत लोन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1-800-11-2001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। दो बूंद जिंदगी के, इन्हीं दो बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन दो बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 21 फरवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनगढ़ जी, उनसे चर्चा जारी रखते हैं। धनगढ़ जी, हम बात कर रहे थे पंचायत चुनावों की, महिलाएं ज्यादा चुन के आई हैं,
ये भी देखा गया है कि महिला सरपंच होती है लेकिन सरपंच पति का एक जो परंपरा चली आ रही है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, या ऐसी जगहों पे हो जहां पर पुरुष हावी रहे हैं, पुरुष सत्तात्मक समाज है, उनका एक वर्चस्व हमेशा से रहा है, उसको किस तरह से आप संतुलन बिठाएंगे? देखो, महिला को एक बेनिफिट होता है लाइफ में, वो दो गांव की नागरिक हो सकती है, वो अपने गांव में भी सरपंच बन सकती है, अभी बेटी के रूप में बन गई है, और वो बहू के रूप में भी जाके सरपंच बन सकती है। दूसरे गांव से कोई पुरुष लाके सरपंच नहीं बनाएगा। तो इसका बेनिफिट बहनों को मिला है, जितना उनका परसेंटेज आरक्षित था उससे ज़्यादा मात्रा में बनकर आई है, मुझे इस बात का आनंद है। निश्चित रूप से ये जो SP सरपंच पति ये कंसेप्ट यहाँ चलता रहा है, लेकिन अभी मैंने भी जो बहनों के इंटरव्यू पढ़े और सरकार पूरी तरह से इस ट्रेनिंग के माध्यम से भी और अपने व्यवहार के माध्यम से भी ये सुनिश्चित करे कि आने वाली मीटिंगों में कि महिलाएं खुद काम करें आगे बढ़ के, उनके पति उस प्रकार से पीछे से सहयोग तो देखो सबके पति पत्नी करते हैं, वो अधिकार तो देना पड़ेगा। उससे मुझे लगता है कि लोगों को गुरेज भी नहीं है, लेकिन सामने आकर तो वही काम करे जिसका दायित्व है। तो मुझे लगता है कि इस बार की ट्रेनिंग के बाद और जिस तरह से ये ट्रेनिंग एक तरह से इलेक्शन के अंदर से शुरू हुई है सुधारों में से, तो मुझे लगता है कि इस बार ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी और महिलाएं खुद अग्रणी होकर काम करेगी, क्योंकि वो शिक्षित हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है उस प्रकार का चुनाव में, जिस प्रकार की इंटरव्यूज उनके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि और हम ट्रेनिंग में भी जिन बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो राजावत का नाम जैसे आता है और आता है, ऐसे सबको बुला के ट्रेनिंग कराएंगे, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसा कूट कूट के भर दें कि वो खुद ही काम करें। लिंगानुपात को लेकर हरियाणा हमेशा से खबरों में रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में, जब आज से कुछ समय पहले जब चर्चा होती थी तो वो 700 का आंकड़ा कभी आता था, 800 का आता था 1000 लड़कों पर, आज उसने भी एक तरह से एक सकारात्मक दूरी तय की है जो अब 900 पार करने कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, इसके लिए समाज में एक बदलाव की जरूरत है, मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, या सरकारी प्रयासों की ज्यादा जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए श्रेय देना चाहूंगा कि वो खुद पानीपत में आए और उन्होंने बहुत कारुणिक अपील की थी, और उसके बाद निश्चित रूप से पूरी मशीनरी ने भी और लोगों ने भी उनकी भावुक अपील का आदर किया है, और लोग भुगत भी रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान अविवाहित रह रहे हैं लिंगानुपात बिगड़ने के कारण। लोगों को खुद में ये समझ में आया है कि आज बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं हैं, और अब हम 900 पर पहुंच गए हैं। 2011 में जो 834 हम रह गए थे, 900 पर पहुंच रहे हैं। कुछ जिले अभी भी पीछे हैं, वो जिले अपना लक्ष्य आगे लेंगे, सिरसा जिला काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से लोग प्रेरणा लेते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि हम बराबरी पर खड़े हो पाएंगे गर्व के साथ, क्योंकि वहाँ जब हरियाणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुना था तो हम सबसे कम थे इसलिए चुना था, लेकिन अब हम अच्छे स्थान पर खड़ा हो रहे हैं और समाज में इस बात की समझ बढ़ी है। कृषि बीमा योजना हाल ही में प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा की है। हरियाणा उन एक तरह से कह सकते हैं सौभाग्यशाली राज्यों में से है जो कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन जिस तरह से देश में कई ऐसे राज्य हैं किसानों की आत्महत्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या से, वो समस्या से दूर है हरियाणा। इस इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने के लिए क्या चुनौतियां आपको लगती हैं, आपके राज्य में हैं, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए कि हरियाणा में अभी इंश्योरेंस की स्कीम कोई बहुत पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा उन राज्यों में से है जो देश में डिजास्टर मैनेजमेंट में जिसने सबसे ज़्यादा पे किया है। हम 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने किसानों को मुआवजा दिया है, और 1092 करोड़ रुपए जब रबी की फसल ख़राब हुई तो हमने मुआवजा बांटा है। अभी पंचायत चुनाव के कारण से बंटना रुका हुआ है, नहीं तो हमारी जो सफ़ेद मक्खी के कारण से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका भी काफ़ी करोड़ रुपए जो है मुआवजा चाहने वाला है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा दूरदर्शन के माध्यम से कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं कि अब हम 12,000 पर लिमिटेड नहीं रहेंगे, अब हम 30,000 भी दे सकेंगे, 25,000 भी दे सकेंगे, जिसकी फसल की जितनी कीमत है वो उतने का मुआवजा करा सकेगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने प्रीमियम बहुत मामूली रखा है, अगर 30,000 रुपये किसान ने बीमा कराना है तो केवल 600 रुपये देने, 25,000 का कराना है तो केवल 500 रुपये देने हैं, और वो भी खरीफ में, रबी में आएगा तो वही 450 रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये के प्रीमियम जो है, क्योंकि 1.5% देना है, और 25,000 का कराया तो 375 रुपये ही रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के किसान इसका भरपूर फायदा लेंगे। बागवानी फसलों पर थोड़ा ज़्यादा है 5%, लेकिन इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो केंद्र और राज्य सरकार देने वाली है।
और उसमें से राज्य सरकार के भी काफ़ी बड़ा, मुझे लगता है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, काफ़ी बड़ी राशि राज्य सरकार को खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि इसमें दो तीन पक्ष और अच्छे हुए हैं। एक पक्ष अच्छा हुआ है कि फसल कटने के बाद भी अगर किसान का नुकसान होता है तो 14 दिन बाद तक का कवर किया गया है, उसका खेत में नुकसान होता है, खलियान जिसको हम पैर कहते हैं हरियाणा में उसमें नुकसान होता है, मंडी में ले आया है उसमें नुकसान होता है, तो तब भी पैसा मिलेगा। और इसी प्रकार से जिस इलाके में बुआई नहीं हुई, पानी भरा हुआ है, वहाँ भी पैसा मिलेगा। तो इसमें प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग भी कवर किया गया है, कंपनसेशन कम है। मुझे लगता है कि हम अब ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं रितु जी कि हम जोखिम फ्री गांव बनाने में सफल होंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक 12 रुपये का बीमा दिया, एक 330 रुपये का बीमा दिया, 4 लाख का बीमा हर व्यक्ति का हो सकता है, ये 50 और 75 तक की उसमें रेंज है आयु की। इसी तरह से जो पशु बीमा है वो मैंने कर रखा है, मैं पशुपालन मंत्री भी हूँ आपकी जानकारी के लिए। बकरी का हम 25 रुपये लेते हैं 3 साल के लिए, गाय भैंस ऊंट गधा घोड़ा खच्चर इन सब के हम 100 रुपये लेते हैं 3 साल के लिए, और फसल बीमा अगली खरीफ की फसल से ये आ जाएगा। तो हम ये बोर्ड लगा सकेंगे कि हमारा गाँव जोखिम फ्री गाँव है, इस गाँव का हर पशु बीमित है, मनुष्य बीमित है और यहाँ की फसल बीमित है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि हो जाएगी, जो बार बार गाँव के लोगों को चिंता होती थी। मैं देखता हूँ कोई एक दुर्घटना हो जाती है, कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, सबसे पहले चिंता ये होती है कि परिवार का क्या होगा, इसको कैसे मदद मिले, कैसे इस परिवार का आगे भरण पोषण होता रहेगा। तो जोखिम फ्री गाँव के कंसेप्ट की तरफ इसमें से हम बढ़ेंगे, निश्चित रूप से योजना हरियाणा के किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी। धनगर जी, मुआवजों की जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी अक्सर हमने देखा है कि हरियाणा राज्य में भी और तमाम और राज्यों में भी किसानों को जब मुआवजे का आवंटन या वो दिया जाता है उसको लेके कहीं ना कहीं असंतोष होता है थोड़ा। उस असंतोष को क्रियान्वयन के स्तर पर दूर करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की जो अपनी मंशा है वो उसने अपनी योजना से तय कर दी, दिखा दी, और राज्य सरकारों ने भी कर दी। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या बड़े बदलाव की जरूरत है देश में भी, आपके राज्य में भी और तमाम और राज्यों में भी, आपके अनुभव से आपको लगता है? दो तीन बड़ी बाधाएं हैं। एक बाधा है माप, अभी केवल रेवेन्यू पटवारियों के जिम्मे रहता है कि वो बताते हैं फसल में कितना नुकसान हुआ है। अभी इसमें डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, तो किस तरह से ई गिरदावरी पर हम जा सकते हैं हमारे सैटेलाइट्स के माध्यम से, बाकी माध्यमों से, मौसम के मापों के माध्यम से, एक वो चीज़ है जो सुधार होने की ज़रूरत है। तो उसमें अगर सुधार होता है कि ठीक मापन अगर हो जाए किस फसल का कितना नुकसान है, नहीं तो पटवारियों का कई बार यहाँ तक की स्थिति होती है कि वो इसमें से तय कर लेते हैं और उसमें से किसको कितना लिखना उनकी मर्जी की बात हो जाती है। तो उसमें से किसानों को बचाना ये एक काम है। दूसरा काम, दूसरी इसमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि एक एक खेत में बहुत हिस्सेदार होते हैं और उसके कारण से क्या होता है कि वो उतने लोगों में बंटता है और बहुत सारे लोग ऐसी जगह खेती कर रहे होते हैं, खेत आपका है किसानी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे कोई कागज़ नहीं देते हो लीज का, तो जो पैसा आता है वो आपको मिलता है मुझे मिलता नहीं है। तो ये इस बार अभी जब हम सिक्किम में मिले प्रधानमंत्री जी के साथ, सभी कृषि मंत्री, तो वहाँ इशू रखा था टेनेंट फार्मर्स के बारे में कि लीज के नियमों में कैसे सुधार हो कि जिसके कारण से ऐसे जो बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, अबसेंटेज किसान हैं जो शहरों में रहते हैं, ज़मीनें उनके गाँव में हैं, खेती कोई और कर रहा है लेकिन वो कागज़ नहीं देते तो उसको मिल नहीं पाता है। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं, निश्चित रूप से इनको इस नए इम्प्लीमेंटेशन के सिस्टम में ठीक करने की चिंता सबको है और आने वाले समय में और परफेक्शन ला सकेंगे। धनगर जी, आप विधानसभा के हर सत्र में आप एक नए रिफॉर्म के साथ आए हैं, किसानों की आप बात करते हैं, किसानों के रहनुमा भी कहलाते हैं, सरकारें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार काम भी कर रही है किसानों के लिए। स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं और उसका जो एक मुख्य एक तरह से कह सकते हैं जो फायदा सीधे सीधे किसानों को पहुंचेगा, वो 50% जो समर्थन मूल्य की जो बात की गई है वो कब लागू हो सकता है, उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? मुझे लगता है किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी इस पर आगे बढ़ना। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, स्वामीनाथन साहब की जो सिफारिश है उसके मोटे मोटे 4 वॉल्यूम हैं, एक सिफारिश थी। उसमें से एक सिफारिश ये थी कि किसानों को किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से जूझना है तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, आप मुझे क्रेडिट दीजिए, मैंने 12,000 किया है, मैं हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है।
दूसरे उनकी सिफारिश है हर खेत को पानी। हम गुजरात की तर्ज पर हर खेत को पानी का काम हमने शुरू कर दिया है। इस साल 14 पायलट प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसान को कुछ नहीं करना, उसके खेत तक पानी हम पहुंचाएंगे। अगली बार हम ब्लॉक लेवल पर ले जाएंगे इसको और उससे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 वर्षों में हर खेत को पानी हम पहुंचाएंगे। स्वामीनाथन साहब की ये भी सिफारिश है। अच्छा बीमा हो, स्वामीनाथन साहब की ये भी सिफारिश है, तो बीमा योजना केंद्र सरकार ले आई है। मार्केट उसको अच्छी मिले, ये भी उनकी सिफारिश है। इसलिए मैं बधाई दूंगा भारत के प्रधानमंत्री को। अभी उन्होंने कहा है कि पूरे देश की एग्रीकल्चर मार्केट को एक बना दो। हरियाणा में अगर कोई पानीपत में बासमती चावल लेकर आया तो तमिलनाडु वाला भी खरीद सके, इस पर काम हो रहा है। हरियाणा में 54 ई मार्केट हम अभी शुरू कर रहे हैं। हमारी 108 कुल मंडियां हैं, 54 मंडियां हम ऐसी बना देंगे पहले चरण में कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति वो किसी भी स्थान से, मतलब कपास सिरसा में आई है तो सोनीपत वाला भी खरीद सकेगा, तो उससे उनको रेट ऊँचे मिलने वाले हैं। कोई एक पहले जो ये होता था ना कि एक मंडी में गया है सब व्यापारी मिल गए, रेट डाउन कर दिया, तो वो अब नहीं चलेगा, उससे वो बाहर निकल जाएंगे। तो अच्छी मार्केट गन्नौर में हम इंटरनेशनल लेवल की मार्केट बना रहे हैं 600 एकड़ में। जितनी बड़ी फ्रांस की मार्केट है, यूरोप की सबसे बड़ी, उतनी बड़ी मार्केट मैं खड़ी कर रहा हूँ। फ्लोरिकल्चर की एक मार्केट हम बना रहे हैं जो है, फूलों की मंडी जो है, तो बाजार उसको कैसे अच्छा मिले इसके काम के लिए भी सरकार लगी हुई है। जो आपने मुख्य बात कही है, मैंने हरियाणा के कृषि मंत्री के नाते जब भी हमारी जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसने हमसे पूछा है, हमने हर बार उनको कहा है कि देखिए अभी जो हमको फसलों के दाम आप देते हैं उसमें लगभग गेहूं और धान में 20% मुनाफा है, आप इसको बढ़ाकर देना शुरू करो। आप एक साथ 50% देंगे तो शायद कठिनाई होगी रिसोर्सेज बाकी सब कारणों से। उसके और भी कई उसमें जो केंद्र के कई और भी तर्क आते हैं कि कहीं मोनोक्रॉपिंग ना हो जाए तो फिर हम कहाँ रखेंगे। तो इसलिए इसमें 2-3 काम जो उन्होंने करने हैं, उसमें एक काम करना है सभी फसलों की खरीद शुरू करना जिससे मोनोक्रॉपिंग नहीं हो, क्योंकि उनकी भी खरीद होगी तो किसान वो भी उगाएगा, क्योंकि किसान को तो अपनी आजीविका से मतलब है, जिसकी खरीद होती है वो उगाता है। तो तिलहन की, दलहन की खरीद हो, इस बार हमने बाजरे की खरीद की है, ये भी स्वामीनाथन साहब की सिफारिशों में से है, इसलिए बाजरे को रेट अच्छा मिला। इस बार हमने जो है सूरजमुखी की भी खरीद की थी। हमारा जो बासमती धान है 1509 उसके रेट डाउन आ गए थे, हमने केंद्र से निवेदन किया कि उसकी हमको प्रोक्योरमेंट करनी दी जाए, और मैं अभिनंदन करूंगा रामविलास पासवान जी का, वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर। तो हम ये माने कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में बिल्कुल, तो ये सबकी प्रोक्योरमेंट हो और स्टेप बाय स्टेप इसके दाम बढ़े, मैंने इसका आग्रह किया है। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़े ये सरकार की चिंता है, वो दोनों प्रकार से लगे हुए हैं, जैसे उनकी लागत कम होना, उनको जोखिम प्रबंधन होना, उनको बाकी चीजों की किस प्रकार से सब्सिडीज वगैरह डायरेक्ट मिलना जिसको बिचौलिए ना खा जाए, इस काम पर सरकार लगी हुई है। धनगर जी अंत में बहुत ही संक्षेप में, चेंज ऑफ लैंड यूज पॉलिसी जो है उसको लेकर आप किस तरह से सतर्कता बरत रहे हैं कि आगे किसानों को उसका और खामियाजा ना भुगतना पड़े? पिछली सरकारों में जो भुगतना पड़ा उसे उसको लेकर आप आगे काम कर रहे हैं? पिछली सरकार ने तो एक बिजनेस बना लिया था ये, वो लैंड यूज चेंज करते थे, उसके उस नाते से सारा का सारा व्यवसाय उस सरकार का उसी माध्यम से चलता था। हम नहीं उनके पुराने साथी आरोप लगा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी भी बोलते हैं, उनके कैप्टन साहब भी बोलते हैं। इस सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, वो छोटी लेवल की लैंड यूज तो सब डिप्टी कमिश्नर्स को ही दे दी है कि कोई भी अपनी लैंड यूज कराना चाहता है चेंज कराना है करा लीजिए, बड़े लेवल की है उसके लिए भी सरकार ने एक सिस्टम बनाया है। अब इस सरकार में लैंड यूज चेंज कोई बिजनेस नहीं है, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, जिसको भी चाहिए उसको मिलेगा। कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है, एग्रीकल्चर के उत्पादों से अधिक कोई आमदनी दूसरे तरीकों से कमा लेना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अंत में किसानों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए निश्चित रूप से मुझे प्रतीक्षा है, बारिश नहीं आ रही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया एक भी, स्नोफॉल बहुत मामूली हुआ है, एक दो दौर में जितनी बारों पर बर्फ़ पड़नी चाहिए, भगवान की कृपा है कि ठंड पड़ रही है, नहीं तो इन दिनों में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरी फसल पर 5-6% तक का असर आता है। तो सब मिलकर प्रार्थना करें ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ जाएं, पश्चिमी विक्षोभ आएँ, कुछ बारिश हो, कुछ पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, ऊपर से आने वाले पानी की ज़रूरत हो। मेरी शुभेच्छा है उनकी फसल अच्छी आए और वो निश्चित रूप से जो है उनकी आमदनी बढ़े, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। किसानों के लिए शुभेच्छा के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया धनगर जी स्टूडियो आने का और हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए शुक्रिया। तो सीधा संवाद में आज हमने बात की हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनगर जी से, जिन्होंने कहा कि किसानों की भलाई ही उनका एक तरह से प्राथमिकता है उनकी सरकार की, और वो लगातार उस तरफ काम भी कर रहे हैं। जिस तरह से 14 नए पायलट प्रोजेक्ट हर खेत को पानी की जिम्मेदारी भी सरकार ने ही उठाई है। तो आज के इस सीधा संवाद में बस इतना ही, अगले अंक में मिलेंगे किसी खास नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
We'll be right back.